बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस देखे हैं, जैसे करेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, क्योंकि सिंगल करेक्टर को फाइल पर रीड और राइट करने के लिए यूज किया जाता है, इसी तरीके से स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन जो कि मल्टीपल करेक्टर्स यानी स्ट्रिंग को आपके फाइल पर रीड और राइट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी दोस्तों, यहाँ अगर आप गौर करें तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम सिर्फ करेक्टर या ग्रुप ऑफ करेक्टर को ही फाइल पर रीड और राइट करवा सकते हैं, जबकि फॉर्मेटेड आईओ फंक्शंस इस तरह के फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए आप नंबर्स, करेक्टर्स और स्ट्रिंग्स को एक साथ फाइल पर राइट भी करवा सकते हैं और फाइल से रीड भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी डेफिनेशन देखिए। द फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन आर यूज्ड टू रीड एंड राइट इंटीजर, फ्लोट, चार और स्ट्रिंग वैल्यूज ऑन टू द फाइल। और डियर फ्रेंड्स, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस भी दो तरह के होते हैं, fprintf फंक्शन और fscanf फंक्शन। आइए इनको बारी-बारी डिटेल में पढ़ते हैं। fprintf फंक्शन, दोस्तों ये fprintf फंक्शन फाइल पर डेटा को राइट करने के लिए यूज किया जाता है, और वो डेटा कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, कोई करेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है और कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। और ये इसका सिंटैक्स देखिए, आप सबसे पहले fprintf लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आप ये तीन पैरामीटर्स को पास करेंगे। अब दोस्तों, जिस तरह printf फंक्शन पर आप गौर करें तो printf फंक्शन में हम दो पैरामीटर पास करते थे, कंट्रोल स्ट्रिंग जिसको हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी कहते हैं और जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते थे, और सेकंड पैरामीटर है वो वेरिएबल्स जिनमें से डेटा को उठाकर आप इस कंट्रोल स्ट्रिंग को देते थे। यानी आप इन वेरिएबल्स के अंदर डेटा को रखते थे और उस डेटा को आप फिर कंट्रोल स्ट्रिंग को देते थे और कंट्रोल स्ट्रिंग इस डेटा को प्रिंट कर देता था। मिसाल के तौर पर आप दो नंबर्स को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो पहले आप उन दोनों नंबर्स के वेरिएबल, उन दोनों नंबर्स को वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और फिर printf फंक्शन के इन दो पैरामीटर्स के जरिए, यानी printf फंक्शन के आप के अंदर आप ये दो पैरामीटर पास करवाएंगे। तो यहाँ ये पहला पैरामीटर होगा कंट्रोल स्ट्रिंग और दूसरा पैरामीटर होगा वो वेरिएबल्स जिनमें रखी वैल्यूज को आप आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इस तरह इस ए और बी में रखी वैल्यूज को आपका ये printf फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बात हो गई printf फंक्शन की, इसके जरिए आप ए और बी वेरिएबल में मौजूद अलग अलग डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर राइट करवा रहे हैं। अब अगर हम fprintf फंक्शन की बात करें तो fprintf फंक्शन भी बिल्कुल printf फंक्शन की तरह ही काम करता है। यहाँ भी हम पैरामीटर्स में कंट्रोल स्ट्रिंग और वेरिएबल की लिस्ट देते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हम आउटपुट स्क्रीन पर डेटा को राइट नहीं करना चाहते बल्कि फाइल पर डेटा को राइट करना चाहते हैं, इसीलिए अब हम fprintf फंक्शन में एक और पैरामीटर का इजाफा करेंगे और वो पैरामीटर होगा हमारा फाइल पॉइंटर, जो कि पॉइंट कर रहा होगा उस फाइल को जिस पर आप ये डेटा, ये ए और बी में रखी वैल्यूज को राइट करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये fprintf फंक्शन काम करते हैं। अब आइए एक प्रोग्राम के थ्रू इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमारे पास एक फाइल है माई टेक्स्ट फाइल, और ये आपके पास ये फाइल भी मौजूद है और आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। अब दोस्तों, इस फाइल पर हम कुछ डाटा राइट करवाना चाहते हैं, और याद रखिए जब आप मल्टीपल किस्म के डाटा, मल्टीपल टाइप के डाटा, जैसे कि स्ट्रिंग को भी, आप इंटीजर को भी, फ्लोटिंग वैल्यूज को भी एक साथ फाइल पर राइट करवाना चाहते हैं, तो फिर आप फॉर्मेटेड आईओ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ए और बी, जिनमें वैल्यू स्टोर करवाई 10 और 6.5। के बाद हमने एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है और उसके बाद हमने fopen फंक्शन के थ्रू इस फाइल को ओपन किया है। और fopen फंक्शन में हम दो पैरामीटर्स पास करवाते हैं, उस फाइल का नाम जिस पर हम रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और मोड कि हम इस फाइल पर कौन सा काम करवाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम यहाँ पर फाइल पर डाटा को राइट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने w मोड लिखा है। अब दोस्तों, ये w मोड लिखते ही आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और उस फाइल का जो एड्रेस है वो असाइन हो जाएगा इस fp यानी फाइल पॉइंटर को। अब इस फाइल पॉइंटर, ये जो फाइल पॉइंटर है, दरअसल पॉइंट करेगा आपकी इस फाइल को। इसके बाद दोस्तों, हमने fprintf फंक्शन लिखा और पैरेंथेसिस के अंदर हमने तीन पैरामीटर्स पास किए हैं, फाइल पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा इस फाइल को, वो डेटा जो कि वो कंट्रोल स्ट्रिंग में हमने ये बताया कि किस टाइप की डेटा
और दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है ये हमारा बताएगा कि इस फाइल में हम किस तरह के डाटा को राइट करवाना चाहते हैं, और वो डाटा हमारा स्टोर होगा इस ए और बी वेरिएबल में। तो दोस्तों ये ए और बी वेरिएबल इस डाटा को देंगे इस पर्सन बी और पर्सन एफ की जगह पर, और उसके बाद आपका एफ पी जो है वो इस पॉइंट करेगा इस फाइल को, और इस तरह से आपकी फाइल पर ये डाटा जो है वो राइट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या माई टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर अभी कोई भी डाटा नहीं है उसके अंदर ये डाटा जो है वो स्टोर होता है या नहीं, वो राइट होता है या नहीं। हम इसको सबसे पहले रन करेंगे, और रन करने पर आपको यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, आउटपुट स्क्रीन पर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अब दोस्तों जब आप अपनी माई टेक्स्ट फाइल को देखेंगे तो यहाँ पर ये वेरिएबल ए के अंदर रखी वैल्यू 10 और वेरिएबल बी के अंदर रखी वैल्यू 6.5000 जो है वो राइट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से एफ प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू आप मल्टीपल टाइप के डाटा को अपनी फाइल पर राइट कर सकते हैं। दोस्तों एफ प्रिंटएफ फंक्शन के बाद जो दूसरा फंक्शन है वो है एफ स्कैनएफ फंक्शन। दोस्तों एफ स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, ये फाइल में से डाटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, और वो डाटा कोई इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, कोई फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, कोई कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, और कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। और ये इसका सिंटैक्स देखिए, आप एफ स्कैनएफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर और ये तीन पैरामीटर्स पास करेंगे, फाइल पॉइंटर, कंट्रोल स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के साथ ये एम्परसेंड का साइन। तो दोस्तों जिस तरह आप स्कैनएफ फंक्शन पर गौर करें तो स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है, ये यूजर से डाटा गेट करता है, यानी जो भी कीज आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं उसे ये गेट कर लेता है। और दोस्तों स्कैनएफ फंक्शन को इसके लिए दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग जो कि बताता है कि किस टाइप के डाटा को आप गेट कर सकते हैं, इसमें हम आमतौर पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हैं, और दूसरा पैरामीटर है बोन वेरिएबल्स का एड्रेस जिन पर आप यूजर से लिए गए डाटा को स्टोर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप दो नंबर्स के लिए यानी दो नंबर्स को गेट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, आप दो नंबर्स यानी एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आप गेट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से पहले उन दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद स्कैनएफ फंक्शन लिखेंगे, और स्कैनएफ फंक्शन के अंदर आप दो पैरामीटर्स पास करेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एम परसेंट के साइन के साथ। अब दोस्तों यहाँ क्या होगा, कंपाइलर कीबोर्ड पर से डाटा को रीड करेगा, और जो भी कीबोर्ड से डाटा एंटर होगा कंपाइलर उसे रीड करेगा, और रीड करने के बाद इन वेरिएबल्स ए और बी में स्टोर कर देगा। यानी ये जो स्कैनएफ फंक्शन है इसके थ्रू हम कीबोर्ड से डाटा को रीड कर रहे हैं, जबकि दोस्तों ये जो हमारा एफ स्कैनएफ फंक्शन है इसके थ्रू हम फाइल पर से डाटा को रीड करते हैं। तो इसीलिए हमें कंट्रोल स्ट्रिंग और वेरिएबल के एड्रेस के साथ साथ एक और पैरामीटर एफ स्कैनएफ फंक्शन को देना होगा, और वो पैरामीटर है फाइल पॉइंटर, जो कि एफ स्कैनएफ फंक्शन को बताएगा कि आपको किस फाइल से डाटा को रीड करना है। तो दोस्तों इसीलिए अब इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा कि आप पहले फाइल पॉइंटर लिखेंगे, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रिंग, और उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल यानी एड्रेसेस, वेरिएबल के एड्रेसेस की लिस्ट देंगे। अब आइए दोस्तों इसके प्रोग्राम के थ्रू मजीद डिटेल में समझते हैं। दोस्तों यहाँ ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम एक फाइल में से जो फाइल अभी जिस पर हमने डाटा रीड राइट करवाया था माई टेक्स्ट फाइल, इसी पर अब पर से हम अब डाटा को रीड भी करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया उस फाइल का नाम, और क्योंकि हम इसको रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम देंगे आर। दोस्तों हमने यहाँ पर आर लिख दिया, और अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप दो वेरिएबल्स लेंगे, उनको डिक्लेयर करेंगे, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है और एक फ्लोट टाइप, क्योंकि आप इस फाइल में से दो वैल्यूज को, एक इंटीजर टाइप वैल्यू होगी और एक फ्लोट टाइप वैल्यू, उसको रीड करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आप फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने पर आप इसके अंदर दो पैरामीटर्स देते हैं, उस फाइल का नाम जो कि आप हार्ड डिस्क से लाना चाहते हैं जिस पर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और क्योंकि हम इस फाइल को रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने आर लिख दिया। अब दोस्तों आप एफ स्कैनएफ फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर्स पास करेंगे, फाइल पॉइंटर जो कि इस फाइल को पॉइंट करेगा, इस टाइप के डाटा को आप रीड करना चाहते हैं ये लिखेंगे, और कौन से वेरिएबल्स में रखे हुए डाटा को आप रीड करना चाहते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप डाटा रीड करेंगे उसको रीड करने के बाद आपको उसे किसी ना किसी वेरिएबल पर ही रखना होगा, किसी ना किसी वेरिएबल में ही स्टोर करना होगा, तो यहाँ पर आप उन वेरिएबल्स का एड्रेस भी दे देंगे। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर इस एफ स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर डाटा आ गया होगा, तो अगर हमने इसे प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू प्रिंट करेंगे तो ये जो आपको
माय टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा नजर आ रहा है, अब इन दोनों वेरिएबल्स में भी यही डाटा आ जाना चाहिए, यानी प्रिंट होने पर आपको यही डाटा मिलना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने क्योंकि फाइल राइट वाला जो प्रोग्राम है इसको रन कर दिया था तो हमें सही आउटपुट ही मिला था। अब हम फाइल रीड करने वाले प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अब दोस्तों आपको आउटपुट स्क्रीन पर वही वैल्यूज मिलनी चाहिए जो कि इस माय टेक्स्ट फाइल के अंदर है। तो दोस्तों अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने पर आप देख सकते हैं कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पर जो माय टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा पड़ा है वो आ गया है। इस तरह से दोस्तों आपका ये जो एफ स्कैनएफ फंक्शन है वो काम करता है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर तीन पैरामीटर्स देने होंगे फाइल पॉइंटर, क्योंकि पॉइंट करेगा इस फाइल को, कंट्रोल स्ट्रिंग कि किस टाइप के डाटा को आप रीड करना चाहते हैं, और उन वेरिएबल्स को जिनका उन वेरिएबल का एड्रेस देंगे जिन वेरिएबल्स में आप वो डाटा रखेंगे जो कि आप रीड करना चाहते हैं, जो कि रीड होकर आ चुका होगा। इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैनएफ फंक्शन काम करता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ, तो साथ के साथ हमारे चैप्टर का भी अख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आपकी बुक का पार्ट टू, डेटाबेस मैनेजमेंट, और यहाँ तक हमारा सी प्रोग्रामिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।